सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड फाइनली आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट रहने वाली है, मगर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच करना। एंड आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगा। उससे पहले अगर देखो आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की ये वाली वीडियो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को भी पता होगा कि 23 मार्च को पबजी मोबाइल वालों ने अपने इंस्टाग्राम पेज पे एक फोटो अपलोड की, जिसमें उन लोगों ने क्लियरली बता दिया है कि 120 FPS कमिंग सून पबजी मोबाइल वर्जन 3.2। तो यहाँ पर अपने को क्लियरली पता चल चुका है कि 120 FPS अपने पबजी मोबाइल में आने वाला है 3.2 के अपडेट में। मगर यहाँ पर इंडिया में अगर बात की जाए तो अपना पबजी मोबाइल है वो बैन हो चुका है, और यहाँ पर अपना एक अलग गेम बन चुका है जो कि हम लोग BGMI बोलते हैं। तो उसमें कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि 120 FPS उसमें आएगा और कब तक आएगा, और उसी के साथ साथ कौन कौन से डिवाइसेज रहने वाले हैं जिस पे 120 FPS सपोर्ट करने वाले हैं नेक्स्ट इस वाले अपडेट में। और पबजी मोबाइल के कंपेयर में भाई 3.2 में अपडेट आ जाएगा, मगर अपने BGMI में जैसा कि आप सभी को पता है सारी चीज़ें अपडेट से लेके हर एक चीज़ें थोड़ी सी लेट आती है, ऑलमोस्ट मतलब वन वीक के बाद अपने को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर देखो पबजी मोबाइल में 120 FPS का सपोर्ट आ गया तो पबजी मोबाइल के जितने भी वर्जन हैं उन सब में अपने को 120 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि BGMI में थोड़ा 1 वीक लेट हो जाता है, अपने को टाइम लग जाता है अपने BGMI में आने तक, तो यहाँ पर देखो इसमें भी अपने को 120 FPS प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा, मगर अपने को थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखो जो चीज़ मेरे को पता चली है, मतलब डिवाइस क्लियर हो चुका है कि कौन कौन से डिवाइसेस में अपने को 120 FPS का सपोर्ट मिल सकता है, तो उसकी लिस्ट आ चुकी है। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर बता दूंगा कि कौन कौन सा डिवाइस रहना है, iOS से लेके एंड्रॉयड तक दोनों डिवाइसेस के बारे में मेरे को पता चल चुका है। तो यहाँ पर देखो मैं स्क्रीन पे आप लोगों को मेंशन कर दूंगा और मैं आप लोगों को क्लियर कट यहाँ पर बता भी देता हूँ। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग एंड्रॉयड डिवाइसेस की तरफ नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है तो एसुस रोग फोन का जो कि कुछ डिवाइसेस है यहाँ पर जिस पे 120 FPS का सपोर्ट आएगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर नीचे आप लोग देखोगे तो ZTE का जो नोबिया रेड मैजिक होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा डिवाइस बनाता है, वो प्रॉपर गेमिंग के लिए डिवाइस बनाता है, तो उसमें भी आप लोगों को इजीली देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर नीचे आप लोग देखोगे तो OnePlus का आप लोगों को डिवाइस मिल जाएगा, और उसके नीचे जाएंगे हम लोग तो IQ का भी डिवाइस आप लोगों को मिल जाएगा जो कि वो भी एक गेमिंग डिवाइस बनाता है, और उसके भी डिवाइसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं एंड्रॉयड डिवाइसेस में। एंड यहाँ पर अपने को नथिंग फोन की तरफ से भी दो डिवाइसेस देखने को मिल जाएंगे। और होनर्स की तरफ से बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पर कुछ डिवाइसेस दिए गए हैं, होनर मैजिक 6 अल्टीमेट, होनर मैजिक 6, होनर मैजिक 6 प्रो। और नीचे बात की जाए ओप्पो की तो यहाँ पर ओप्पो के भी काफी सारे डिवाइसेस हैं, ओप्पो फाइंड X7 अल्ट्रा, ओप्पो फाइंड X7, ओप्पो फाइंड N3। एंड नीचे बात की जाए तो शाओमी रेडमी एंड पोको की तरफ से आप लोगों को कुछ डिवाइसेस मिलने वाले हैं, पोको F5 प्रो, पोको X6 प्रो, शाओमी 14 अल्ट्रा, शाओमी 14 प्रो, शाओमी 14, और रेडमी K70, रेडमी K70 प्रो, रेडमी K70e। तो ये सारे डिवाइसेस हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर और भी आगे डिवाइसेस मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर सैमसंग वाले तो पीछे नहीं हट सकते थे, आप सभी को पता होगा भाई रिसेंट में सैमसंग गैलेक्सी वाले मतलब जितने भी डिवाइसेस अभी रिसेंट में लोग निकाले हैं काफ़ी भयंकर लेवल के, और काफ़ी अच्छे अच्छे डिवाइसेस इन्होंने लॉन्च किए हैं। तो यहाँ पर आप लोग डिवाइसेस नेम देख सकते हो, सैमसंग गैलेक्सी S24, सैमसंग गैलेक्सी S24 प्लस, सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, और बाकी नीचे और भी डिवाइसेस नेम है जिसको आप लोग खुद पढ़ सकते हो। एंड गाइस, उसी के साथ साथ इसके नीचे यहाँ पर आप लोगों को रियलमी के भी डिवाइसेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रियलमी GT5, रियलमी GT5 प्रो, रियलमी GT3। एंड गाइस, यहाँ पर लास्ट के दो ब्रांड्स बच चुके हैं, जैसे कि देखो गूगल पिक्सल की तरफ से आप लोगों को गूगल पिक्सल 8, गूगल पिक्सल 8 प्रो, गूगल पिक्सल 7। और नीचे अगर एप्पल डिवाइसेस की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को iPhone 15 प्रो, iPhone 15 प्रो मैक्स, iPhone 14 प्रो, iPhone 14 प्रो मैक्स, iPhone 13 प्रो, iPhone 13 प्रो मैक्स। और iPad की बात की जाए तो यहाँ पर iPad Pro 2022 वर्जन, iPad Pro 2021 वर्जन। तो यहाँ पर मैंने सारे डिवाइसेस को क्लियर कर दिया है जिसमें PUBG मोबाइल के 3.2 के अपडेट में अपने को 120 FPS का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। बाकी गाइज, यहाँ पर देखो कुछ बंदों के माइंड में ये एक चीज़ डाउट आ रहा होगा कि देखो अगर हमारा डिवाइस 60 FPS मतलब हम लोग 60 FPS में खेलते हैं तो क्या 3.2 के अपडेट में हमारे डिवाइस में 90 FPS मिल जाएगा, और या फिर देखो 40 FPS में हम लोग खेलते हैं तो क्या अपने को 3.2 के अपडेट में अपना जो डिवाइस है 60 FPS सपोर्ट करने लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि जो आपका डिवाइस का हार्डवेयर है जितने FPS आपका डिवाइस सपोर्ट करता है उतने FPS में ही आपका गेम चलने वाला है। जैसे कि अगर मान लो आपका डिवाइस 60 का है
तो आपका जो गेम है वो 60 FPS में ही चलने वाला है। और अगर आपका डिवाइस जो है 30 FPS सपोर्ट करता है, तो आपका डिवाइस भाई कैसा भी कुछ भी अपडेट आ जाए BGMI में, आपका जो डिवाइस है वो 30 FPS ही सपोर्ट करने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को गेम से कुछ एक्सपेक्ट मत रखो, गेम वहाँ पर आपको कुछ चेंजेस, मतलब गेम आपके डिवाइस को कैसे चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर आपका जो डिवाइस का हार्डवेयर जितने FPS आपको सपोर्ट करके दे रहा होगा, उसी हिसाब से आपके डिवाइस में आप लोगों को FPS देखने को मिलने वाले हैं। और जितने भी ये 120 FPS आप लोगों को 3.2 के अपडेट में जितने भी डिवाइसेस में आप लोगों को मिल रहा है, वो उसके डिवाइसेस में इन बिल्ड, मतलब उसका हार्डवेयर जो है 120 FPS सपोर्ट करता है। दैट्स वाई वहाँ पर आप लोगों को 120 FPS का ग्राफिक्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बाकी गाइज यहाँ पर देखो कमेंट्स में ज़रूर बताना और भी कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो आपके माइंड में, क्योंकि काफ़ी सारे डाउट्स अभी निकल कर आने वाले हैं, तो मेरे को कॉमेंट्स में बताना, मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करूँगा। और आप सभी को पता होगा कि मैं कॉमेंट्स में आप सभी का रिप्लाई कर देता हूँ, तो कॉमेंट्स करके आप लोग मेरे से ज़रूर पूछना। एंड गाइस यहाँ पर हम लोग थोड़ा लो एंड डिवाइस वालों के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए अभी गेम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और अनफेयर हो सकता है, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे बंदों के पास प्रॉपर 60 FPS नहीं होगा। और BGMI वाले, पबजी मोबाइल वाले अभी 120 FPS रिलीज़ करने वाले हैं, तो उन लो एंड डिवाइस वाले बंदों के लिए काफ़ी ज़्यादा अनफेयर गेम रहने वाला है। और देखो 90 FPS की बात की जाए तो ये 2020 में ही आ चुका था, जो कि OnePlus 7 Pro सीरीज़ के साथ ये लॉन्च हुआ था। और अभी देखा जाए ना 2024 में रिसेंट में, तो अभी भी सारे बंदों पे 90 FPS का जो डिवाइस है अवेलेबल नहीं होगा, तो अभी भी काफ़ी सारे बंदे 60 FPS में ही खेलते होंगे। और गिने चुने बंदे होंगे जिनका डिवाइस अच्छा होगा उन पे 90 FPS सपोर्ट करता होगा। मेरा खुद जो डिवाइस है वो 60 FPS सपोर्ट करता है और मैं 60 FPS में गेम प्ले करता हूँ। तो अभी यहाँ पर सोचो भाई 60 से डबल करके 120 FPS होने वाला है, तो गेम किस लेवल तक आगे बढ़ चुका है। बाकी यहाँ पर देखो जैसे ही अपना 3.2 का अपडेट आ जाएगा और 120 FPS भी अपने को सपोर्ट मिल जाएगा भाई, उसके साथ साथ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बनाकर लाऊंगा, जिसमें हम लोग देखेंगे भाई 120 FPS में क्या कैसा स्मूथ चलने वाला है। एक रिव्यू वीडियो प्रॉपर तरीके से मैं आप लोगों के लिए बना कर लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और वीडियो को अब तक अगर लाइक नहीं किया आप लोगों ने तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर देना एंड शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। बाकी मैं चलता हूँ किसी और नई वीडियो के साथ, मिलता हूँ, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग। अरे कैलाश एग्जिट क्यों नहीं हो पा रहा अभी? आ रहा हूँ मैं। एग्जिट क्यों नहीं हो रहा है भाई? कौन मार रहा है? कहाँ से? इंटरनेट है भाई, अरे लैग हो रहा है भाई, दूसरे बंद कर दे। अरे बे तुम मत जोक मत, अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ। बुरा लड़का नहीं मार देता इस बॉल को, बैक मुझे देख रही है। लगा